आजकल अगर जिसकी तीन चार बेटी हो जाए तो उसको रातों में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि माहौल भिकमंगों ने, भिकारियों ने समझे इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया। अगर जिसकी दो चार बीघे जमीन भी है ना, तो वो भी चार पहियों की मुंह खोलने लगा। और अगर मुंह खोलता भी नहीं है तो अब तो बड़ा शानदार हिसाब इन्होंने निकाला, बीच वाला आदमी डाल लेता बता। और जिस लड़की वाले के पैसा है तो उसे भी नींद कहां आ रही है, चौराहे पे खड़े होकर कहता है लगा दो अच्छा रिश्ता, बुलेट दूंगा बुलेट। अब वो गरीब क्या करेगा? बहू तुम्हें पता नहीं है कैसी ढूंढी जाए, तुम्हें पता नहीं है दामाद कैसे ढूंढा जाए, कोई पता ही नहीं, नेकी देखता ही नहीं, माल दौलत देखता, कब तक खाओगे कब तक खाओगे, प्यार सब कुछ रखकर रह जाएगा। अगर मेरे अल्लाह ने जरा सा मर्ज दे दिया सारी जायदाद बिक जाएगी, मगर वो ठीक नहीं होगा। सही बात है, बेशक जिंदाबाद। हजरत कितने फोन ऐसे आते जिनके कैंसर है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो रो के कहते हैं कि दुआ करना, अब सारे डॉक्टर फेल है, सब कुछ फेल। अब वो पलटे हैं कुरान की तरफ को, अल्लाह वालों की तरफ, पहले ही अल्लाह से तोबा किया करो। बेशक कहां है अव्वल तो पहले शादी बड़ी मुश्किल से। हजरत उमर का जमाना था, एक वाकया याद आ रहा है, छोटा सा सुना दूं। जी जी जी। हजरत उमर रात में गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। क्यों? इसलिए कोई भूखा मिल जाए उसे खाना खिला दूंगा, कोई हाजत मत मिल जाए उसकी हाजत पूरी कर दूंगा, कोई परेशान मिल जाए उसकी परेशानी को दूर। अब तो ऐसे आदमी घूमते हुए क्या कोई किसी की हाजत पूरी करेगा? अच्छा काम चल रहा है टांग अड़ा देगा, कोई तकलीफ दूर करेगा, जबान से इतनी तकलीफ देगा, हाथ से इतनी तकलीफ देगा, आंखों से बिल्कुल तकलीफ दे दे करके मार डालेगा, किससे उम्मीद की जाए? मगर हजरत उमर रात में घूम रहे थे, घूम रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, रात का आखिरी सांस एक मकान के दरवाजे पर आ गए। कहां है बोलो? एक मकान के दरवाजे पर जब आए तो उसकी माँ ने अपनी बच्चियों से कहा, कहा बेटी, उसकी बेटी बोली जी माँ, कहा मेरे लाल तूने बकरियां धूली क्या? उस वक्त की दौलत बकरियां थी, भेड़ बकरियां, बेशक। कहा तूने क्या बकरियां धूली? वो लड़की कहने लगी हाँ माँ मैंने बकरियां धूली, दूध निकाल लिया बकरियों का। माँ कहने लगी बेटी दिन दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला देना, ताकि खरीदने वाला आए हमारे पैसे ज्यादा हो जाए। लड़की ने कहा, हजरत उमर बाहर सुन रहे थे, तवज्जो है ना, हजरत उमर सुन रहे थे। अब जब ये बात हुई कि बेटी दूध में पानी मिला देना, तो वो लड़की कहने लगी नहीं माँ पानी मत मिलाओ मत मिलाओ, इसलिए हजरत उमर ने कहा है दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं। तो वो उस लड़की की माँ बोली कहिए बता हजरत उमर क्या रात में रखेंगे? क्या वो सुन रहे हैं? क्या वो देख रहे हैं? क्या वो जान रहे हैं? जब इतना काम नहीं जान रहे तो लड़की कहने लगी माँ हजरत उमर तो नहीं जान रहे मगर मेरा परवरदिगार तो जान रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों बेटा दिल नहीं लग रहा क्या? उससे कैसे छुपेंगे जब इतना कहा? तवज्जो रखना कि उससे कैसे छुपेंगे। वो लड़की कहने लगी का लड़की की माँ कहने लगी बेटा तुझसे शादी कौन करेगा बोल, तेरे बाप भी नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ, तेरी शादी के लिए खर्चा होगा, मैं रुपये पैसे कहां से लाऊंगी? अगर ये पैसे बढ़ जाए
तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। हजरत उमर पार करे तो वो लड़की बोली, माँ मैं हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। वाह वाह। हजरत उमर चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अपनी बीबी को बुलाया, तीन बच्चों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा मुझे जिस बहू की जरूरत थी मुझे मिल गई है, ऐसे ऐसे मैंने नेकी सुनी है, गरीब है, कुछ भी नहीं उसी घर में। तीनों बच्चों से कहा कौन है तुम में से जो निकाह करना चाहता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा उनका राजी हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था। वाह वाह। और अब मोबाइल दे दिया इन निकम्मों के। वाह वाह। रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है मोबाइल। जी जी। रात के 12-12 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें चल रही है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, पूरी रिश्ते की बातें हो जाती है। इन्हें तो लाल पीली नीली मुंह पे वही लाली लगाओ भी, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना कंजड़ी, तो बस उस पे भी मर मिटे। अब अम्मा कह रही है बेटा खानदान अच्छा नहीं है, अब्बा कह रहे खानदान अच्छा नहीं है, चूहे मारने की दवा दिखा दिखा के अम्मा अब्बा को डरा रहे हैं। अब ये दौर है, ये ज़माना, नेकी कौन देख रहा है। हजरत उमर ने कहा कौन राजी होगा शादी के लिए। एक बेटा राजी हो गया, हजरत आसिम। सुबह ही रिश्ता लेके दोनों मियां बीबी पहुंच गए। हजरत उमर बाहर, बीबी गई। 22 लाख मुरब्बा मील का जो बादशाह था उसकी बीबी खड़े होकर के दामन फैला के कह रही है, मेरा बेटा जवान है, उसका नाम आसिम है, वो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी को उसके निकाह में दे दूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे घर की बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान।